अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 99.7% अपने रेगुलर एफर्ट्स डाले, जो मैं ऐसे स्टार्टिंग से 6 से 7 से रेगुलर स्टडीज रखी, यानी कि बहुत एक्स्ट्रा आवर्स लाइक 4 आवर्स कट्ठे 3 रेगुलर डे पे पढ़ाई की थी, और एफर्ट्स तो फिर अब दिख गए। वो अभी मतलब मैं टाइम नहीं करती थी कितनी देर के लिए, बट उस उतने के लिए जितने मेरे को सफिशिएंट लगता था। और मैं मेन चीज़ ब्रेक्स लेती थी बीच में, जैसे 1 आवर कट्ठे नहीं पढ़ना, 20 मिनट्स ब्रेक तो ऐसे कर। नहीं, कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी, सेल्फ स्टडी बट रेगुलर अप किया है। भविष्य में क्या बनना चाहते हो? मेरे को UPSC के एग्जाम्स दे के IAS ऑफिसर बनना। और यहाँ तक आने के लिए मैंने कौन सी चीज़ को, बस ये है थोड़ी जब रेगुलर पढ़ाई होती थी थोड़ी जो फन एक्टिविटीज़ है वो रह जाती थी, बट वैसे तो कोई इम्पोर्टेंट। यस, एक्सपेक्ट किए थे मैंने, बट ये आँख बहुत अच्छे हैं। मेरे को लगता है कि SST में मेरा 1 मार्क जो कटा था वो मे बी मेरे एफर्ट थोड़ा आंसर, वो मेरे को पता था कि मेरा कट होगा, बाकी आई डोंट नो एक्चुअली। हिंदी में ग्रामर में भी मिस्टेक, मेरी मात्रा में मिस्टेक्स हो जाती है। सबसे ज़्यादा तो अपनी टीचर्स को पहले, देन प्रिंसिपल, देन मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और टीचर्स को इतने टाइम एफर्ट्स उन्होंने डाले, इतनी अच्छी क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी। टिप्स यही होंगी कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो करते हैं जिनमें इंटरेस्टेड है वो भी रखें, साथ में स्टडीज़ रेगुलर रखें, स्कूल रेगुलर अटेंड करें, छुट्टी नहीं लेनी कोचिंग की वजह से या कोई, स्कूल रेगुलर रखो। हमें बहुत खुशी हो रही है आज, मजा नहीं है खुशी का कि मेरी बेटी ने टॉप किया है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और मेरी बड़ी बेटी ने भी +2 के दिए थे एग्ज़ाम, उसके भी 96% मार्क्स आए हैं कॉमर्स में, और मेरा बेटा भी है छोटा, वो 7th में है, उसके भी इसी लाइन में, उसके भी 94% मार्क्स आए हैं। बहुत के लिए आपने किन किन बातों का ध्यान दिया? कोई ख़ास नहीं, जैसे हर एक मदर अपने बच्चों के लिए करती है, मैंने भी वही किया, भी थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है, कहना पड़ता है कि हाँ अब आपका स्टडी का टाइम है, पढ़ लो, खाने का टाइम है, खा लो, तो कोई इतना खास नहीं, पर मेरे बच्चों ने मेरे मतलब आउटपुट पूरी दी है, उन्होंने बहुत अच्छा करा है तीनों बच्चों ने। ऐसा कुछ नहीं, जो सभी बच्चे खाते हैं वही, मतलब ऐसा स्पेशली कुछ नहीं, पर यह है कि हमने उनकी सभी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी पॉकेट को ध्यान में रखते हुए सारा कुछ उनको प्रोवाइड किया है, वो भी खुश हैं, हम उनसे बहुत खुश हैं तीनों बच्चे। पढ़ाई का ये नहीं था कि सारा दिन पढ़ाई में ही लगे रहे बच्चा, ऐसा नहीं है, अभी मतलब इंजॉय करते हुए लाइफ का, मतलब टीवी भी देखते थे, कोई ऐसी नहीं सर। टॉप कर देगी? हाँ था, हमें थोड़ा भी लग, काफ़ी अच्छे एग्जाम हुए थे उसके, पढ़ते तो हैं बच्चे, मतलब था, हमें लग रहा था। आगे क्या सोचा? आगे देखो, सोच रहे हैं IAS ऑफिसर बनाएंगे। सर एक्चुअल पेरेंट्स जो हैं उनका तो इनहर्ट्स होता है सब कुछ, क्योंकि उनको तो पता है कि आपने मेहनत करवानी है बच्चों को, फिर हमने उनको स्कूल, ऐसे स्कूल उनको मिल गया जो एक प्लेटफॉर्म था, बढ़िया प्लेटफॉर्म, इनको LKG से लेके अब तक उसी स्कूल में पढ़ रहे CGM में, और इनका जो टीचिंग डेडिकेटेड स्टाफ है और इसकी सेल्फ स्टडी, बाकी जो इनकी मदर है वो बहुत हेल्प करती थी इसके। इतनी देर और किस तरह? ये हम ब्रेक में आधा घंटा पढ़ा, फिर ब्रेक ली, दूसरी एक्टिविटीज में रहती थी, पर डेडिकेटेड स्टडी थी, जब स्टडी करनी है तो बिल्कुल उसमें डिवोशन रहता था इनका। डाइट जो ये डिमांड करते देते थे, जो हमारी इंडियन डाइट्स, फास्ट फूड कम, तो हम तो वही मैनेज कर सकते हैं इनका। क्या उम्मीद लगाएंगे आगे इसका? UPSC में करवाएंगे। पूरे हरियाणा में टॉप कहाँ पे, किस तरह की? आई थिंक शी गॉट 499 आउट ऑफ 500।